नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। बांदा भगवती मानव कल्याण संगठन साका बांदा एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का कार्य निरंतर जारी। गरीब असहाय मजदूर परिवार को पहुंचाया जा रहा है राशन सामग्री, दाल चावल रोटी नमक आलू। आपको बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद का है, जहां पर कोरोना वायरस के दृष्टिगत हुए संपूर्ण भारत में 21 दिन का लॉकडाउन के कारण आज कोरोना महामारी के चलते गंभीर संकट से परेशान गरीब मजदूर राहगीरों को भारतीय शक्ति चेतना पार्टी शाखा बांदा के द्वारा समाज के सैकड़ों परिवारों को पहुंचाई गई राशन सामग्री। बांदा शहर के तमाम ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके घरों में खाने पीने का भारी संकट है। सरकार के 21 दिन के लॉकडाउन के कारण मुश्किलों का सामना करने वाले गरीब परिवारों में राशन भोजन की बड़ी समस्या है। वहीं आज सामग्री में दाल चावल आटा नमक आलू जो आज गरीब लोगों को घर घर जाकर राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। बांदा से इमरान खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखलाल बौद्ध है। आप किस गांव के हैं? हम मोई बुजुर्ग के हैं। मोई बुजुर्ग में आपका किस प्रकार सहयोग किस पार्टी के द्वारा हुआ, किस संगठन के द्वारा हुआ? आज हमारे यहाँ गरीब लोगों को भारतीय चेतना शक्ति पार्टी की तरफ से माननीय श्री गुलाब चंद कुशवाहा जिलाध्यक्ष की तरफ से जो है 15-25 गरीब परिवारों को जो है राशन वितरित किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब चंद्र कुशवाहा। किस पद पर है? जिलाध्यक्ष बांदा। किस पार्टी से, संगठन से कोई? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एवं संगठन भी आपका बना हुआ है, तो पार्टी संगठन के द्वारा गरीबों को क्या मदद की जा रही है? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा विगत जिस दिन से 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, उस दिन से बराबर निरंतर प्रतिदिन मतलब जो समाज के गरीब असहाय परिवारों में राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है कार्यकर्ताओं के द्वारा, और आज भी 31 तारीख को सिटी मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लेने के बाद निश्चित है उन पात्र लोगों से लोगों घरों घरों में जाकर के उनकी सूची इकट्ठा करते हैं कि निश्चित रूप से पात्र लोग हैं, इन्हें जरूरत राशन की, इनके घर में राशन नहीं है, ऐसे परिवारों में को चिन्हित करके एक रजिस्टर बना करके उन लोगों तक हम राशन सामग्री पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। राशन में आपने क्या क्या गरीबों को बांटा है अभी तक? राशन में हम लोगों ने मतलब जो है करीब आटा है और जो है उसमें अरहर की दाल है और आलू है, चावल है, इस तरह से मतलब चार सामग्री राशन में इकट्ठा करके करीब 4 किलो का पैकेट बना करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कम दिन का राशन तो उसका हो ही जाए।